अस्सलाम वालेकुम। रफीक के जायके में आप सभी को खुशामदीद। तो आज हम बनाएंगे लेमन पेपर फिश। तो लेमन पेपर फिश बनाने के लिए बहुत ही आसान, मैं आपको बताऊंगा, चाइनीज में है, ठीक है। तो इंशाल्लाह दिखाते हैं कि लेमन पेपर फिश बनाएंगे कैसे। बॉनलेस फिश हमने तलापी फिश लिया है, उसको इस तरह का काट लिया है लंबे लंबे साइज के। तो अब इसको हम मैरिनेशन आपको दिखा देते हैं। नमक टेस्ट के हिसाब से टीस्पून की चौथाई वर्गिनो, एक टीस्पून की चौथाई हिस्सा व्हाइट पेपर, एक टीस्पून की चौथाई ब्लैक पेपर, जिंजर गार्लिक और ऑनियन पाउडर हाफ ऑफ टीस्पून, चावल का आटा एक टीस्पून, सॉरी कॉर्नफ्लावर डाला था, अब ये रहा चावल का आटा एक टेबल स्पून से थोड़ा कम, और थोड़ा सा मैदा आधा टेबल स्पून, लेमन जूस दो टेबल स्पून, हाफ टी स्पून से भी कम थोड़ा हल्दी डाल देंगे। तो इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, उसके बाद में एक अंडा डाल देंगे। तो गाइस ये हो गया मिक्स। इसके अंदर हल्दी डालने का मतलब है, हल्दी नहीं डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन हल्दी डालने से थोड़ा कलरफुल हो जाता है, बस इस वजह से हल्दी डाल देते हैं। तो अब इसे आधा घंटा के लिए हम रख देते हैं और ये अच्छी तरह से मैरिनेशन हो जाएगा। तब तक के हम डीप बना लेते हैं और तेल भी गर्म कर देते हैं। तो तीन टेबल स्पून हमने ले लिया है मायोनीस। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ बकदूनिस, आप इसमें पार्सली भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो दो पीस डाल देंगे गर्किन, जो कुकुम्बर है सिरके वाला, तो इसको थोड़ा सा बारीक करके और डाल देंगे इसके अंदर। फिश के साथ जब कोई भी डिश देते हैं इसको डाल दो तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा डाल देंगे मस्टर्ड सॉस हाफ टीस्पून जितना डाल देंगे, बस हो गया। थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल देंगे एक चुटकी जितना, बढ़िया से इसे मिक्स कर देंगे। तो ये डीप भी रेडी हो गया। तो दोस्तों सब कुछ तो रेडी हो गया है, तेल भी गर्म हो गया है, अब हम फिश को फ्राई कर लेते हैं। बढ़िया क्रिस्पी कर देना है। थोड़ा सा यू छोटा छोटा कर दे ताकि चिपका ना रहे। तो कलर अब आ गया है, इतना कलर काफी है और मस्त क्रिस्पी भी हो गया है। अब इसे टिश्यू पे निकाल ले पेपर वगैरह पे, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा तेल हो वो सब इसके अंदर ही रह जाए। और ये आ गया डिप। अब बनाइए और एंजॉय करिए, और हाँ शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।